और प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेलंगाना के विकास के लिए परियोजना की शुरुआत की है और राज्य को 13,500 करोड़ की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सूबे के विकास को नई गति मिलेगी। तेलंगाना के लोगों के कल्याण के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। 13,500 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं तेलंगाना को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाएगी। इनसे तेलंगाना के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। तेलंगाना के लोगों ने लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में भाजपा को मजबूत किया है। आज यहां जो जनसैलाब दिख रहा है उससे मैं आश्वस्त हूं। और तेलंगाना के महबूब नगर में पीएम मोदी ने कहा कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराकर हमने नवरात्र से पहले ही शक्ति पूजा को स्थापित कर दिया है। देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराकर हमने नवरात्र से पहले ही शक्ति पूजा के भाव को स्थापित कर दिया है। आज तेलंगाना में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इससे यहां उत्सव का रंग और खिल उठा है। सत्यम शिवम सुंदर नाम से राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर कांग्रेस नेता ने एक लेख लिखा है जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसे चुनावी राज्यों में हिंदू वोट बैंक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी लगातार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर एक्टिव हैं। विचारधारा की बात करने वाले राहुल गांधी इन दिनों हिंदुत्व पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम नाम से सोशल मीडिया पर एक आलेख शेयर किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। राहुल के इस आलेख पर राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। उदयनिधि स्टालिन और अन्य नेताओं ने हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी पर वो चुप रहे। पिछले दिनों उनके राम मंदिर जाने की भी खबर उड़ी। इस बीच ये आलेख काफी कुछ कहता है। कहा जा रहा है कि राहुल की ये हिंदू वोट बैंक साधने की कवायद है। राहुल ने आगे लिखा है कि एक हिंदू में अपने भय को गहनता में देखने और उसे स्वीकार करने का साहस होता है। जीवन की यात्रा में वो भय रूप शत्रु को मित्र में बदलना सीखता है। एक हिंदू की आत्मा इतनी कमजोर नहीं होती कि वो अपने भय के वश में आकर किसी किस्म के क्रोध, घृणा या प्रतिहिंसा का माध्यम बन जाए। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर कमलनाथ ने बीजेपी पर फिर तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि अब बीजेपी में जिसको टिकट मिलता है वो नाखुश हो जाता है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वार पलटवार का दौर तेज होता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी पर हमला किया। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, अब भाजपा एक दल के रूप में शेष नहीं रही है। प्रदेश पदाधिकारियों, प्रभारियों तक को यह नहीं पता है कि कल को चुनावी लिस्ट में किसका नाम आएगा। भाजपा की सभी कमेटियां दिखाने को कितनी भी बैठकें कर ले पर निर्णय लेने की हैसियत में नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देने पर भी कमलनाथ ने बीजेपी पर तीखा तंज कसा। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा में पहले वो नाराज नाखुश होते थे जिनको टिकट नहीं मिलता था या जिन्हें कोई पद नहीं मिलता था, लेकिन अब वो नाराज नाखुश हो रहे हैं जिन्हें टिकट मिल रहा है और जो पदों पर होते हुए भी अधिकाराहीन हैं। दरअसल जब से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस और कमलनाथ लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो का एक अंश आपको दिखाते हैं। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है, वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता के में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं मुड़ बना स्वच्छता की तरफ। अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं डेली? 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीजों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। 1, खाने का टाइमिंग, और 2, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री के साथ श्रमदान के वक्त फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित बेनपुरिया भी थे। इस दौरान अंकित ने पीएम से मुलाकात के बाद मिली खुशी का इजहार किया, साथ ही G20 की सफलता का जिक्र भी किया। इस पर पीएम ने एक बेहद दिलचस्प जवाब दिया, आप भी सुनिए। मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है वो भी उसका जिम है, इतना इफेक्टिव बनाया। वो आपसे मिलने का सपना था, वो पूरा हो गया। देख लिया G20 वाला सम्मेलन देखा। हाँ, वो व्यवस्था देख कर मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देख रहे हैं, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व हुआ है इस चीज के लिए। भाई आपने देखा होगा, ये जो भारत मंडपम बना है उसमें भी एक पूरा दीवार हमने योगा का बनाया है, और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का क्या फायदा होता है, कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। और बापू की जयंती से एक दिन पहले चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान में शामिल होने गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे। शाह ने शहर के रानिप इलाके में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात से स्वच्छता के उस अभियान को आगे बढ़ाया जिसे देश अपना मिशन बना चुका है। शाह ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता के लिए श्रमदान कार्यक्रम में भाग लिया। शाह ने रानिप इलाके में झाड़ू लगाई और इस अभियान में शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी सभी देशवासियों को गांधी जी के स्वच्छता के विचारों से जोड़कर स्वच्छता को उनकी जीवन शैली और संस्कार में परिवर्तित करने का भागीरथ कार्य कर रहे हैं। साथ ही शाह ने लोगों से अपील की कि अपने आसपास स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और दूसरे लोगों को इस अभियान के लिए प्रेरित करें। बापू की जयंती से ठीक एक दिन पहले चलाए स्वच्छता अभियान में गुजरात के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वच्छता अभियान में गृह मंत्री के साथ गुजरात के पूर्व डिप्टी CM नितिन पटेल समेत गुजरात BJP के कई नेता शामिल हुए। इससे पहले अहमदाबाद के रानिप क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन भी किया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी स्वच्छांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस अभियान को शुरू किया था आज वो जन आंदोलन में बदल चुका है। आप भी मन की बात के 105वें एपिसोड में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छांजलि देने की अपील की थी। आज इस सफाई अभियान में हर आम और खास शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई अभियान से जुड़ी तस्वीरें साझा की। दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वृक्षारोपण भी किया और स्वच्छता मित्रों से मुलाकात करने के बाद उन्हें सम्मानित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सफाई अभियान अब आंदोलन बन चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो स्वप्न था, स्वच्छता को जिस एक प्रतिबद्धता के साथ, एक कमिटमेंट के साथ महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, और उस समय भी सामाजिक आंदोलन वह बना था,
और मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अभियान को जिस तरीके से अपने हाथ में लिया है, अब यह किसी कार्यालय विशेष का अथवा व्यक्ति विशेष का ही यह कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि सारे देश का एक बहुत बड़ा यह सामाजिक आंदोलन बन गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में सफाई अभियान में शामिल हुए। जेपी नड्डा ने क्या कहा, देखिए यह रिपोर्ट। दिल्ली के झंडेवालान स्थित अंबेडकर बस्ती में जेपी नड्डा स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल हुए। अंबेडकर बस्ती में नड्डा ने झाड़ू लगाकर सड़कों को साफ किया और खुद कचरे को उठाया। सफाई अभियान में शामिल होते हुए नड्डा ने बापू को याद किया और कहा कि स्वच्छता अभियान को काफी ऊर्जा के साथ देश भर में आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी की अपील पर स्वच्छता अभियान अब पूरे देश में जन आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया और उस स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता इसमें अपना योगदान कर रही है। आज देश भर में हमारे लाखों कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर रहे हैं। सफाई अभियान में जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आज स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। स्वच्छता को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या संदेश दिया, आपको दिखाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाया। इस दौरान बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं और प्रोफेसर भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान अभियान के दौरान पूरे एक घंटे तक स्वच्छता में जुटे रहे। प्रधान ने इस अभियान को सामाजिक विकास में श्रमदान की सीख बताया। आज जैसे स्थिति आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे हैं, वो एक समाज प्रेरक हैं, समाज सुधारक हैं, चिंता नायक हैं, दूरदृष्टा हैं। उनका विश्वास है जब तक सामाजिक शक्ति एकजुट होके समाज को खड़े करने में अपनी ताकत नहीं झोंकेगा, तब तक समाज की विकास नहीं हो पाएगा। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं आज इस जन आंदोलन में भाग लिए हैं। तो स्वच्छता अभियान के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जोर देकर कहा कि आने वाले समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि देश की सभी यूनिवर्सिटीज के कैंपस को स्वच्छ बनाया जाएगा। काल पूज्य बापू जी का जयंती है, पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है। उन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया था। स्वाधीनता के उपरांत देश के किसानों में जन भागीदारी करते हुए जय जवान जय किसान की नारा दिया था। वैसे ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की पूरा नागरिकों को एक घंटे की श्रमदान के लिए आह्वान किया था। उसी आह्वान की कड़ी में मैं आज मेरे सहयोगी से बात करूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी को धीरे धीरे एक स्वच्छ कैंपस बनाना केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, भारत की सभी कैंपस को छात्रों की जन भागीदारी से, अध्यापकों की जन भागीदारी से स्वच्छता की महान यज्ञ में हम सभी लोग अर्घ्य डाले, आहुति डाले। अखिलेश यादव ने एक बार फिर जातीय जनगणना कराने की मांग की है। अखिलेश ने शिवराज को लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को अभी तक टिकट नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में भी शिवराज का नाम नहीं आने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि एमपी में बीजेपी का हर उम्मीदवार सीएम बनने का सपना देख रहा है। अब मुख्यमंत्री की अभी तक टिकट नहीं घोषित हुई, सोचिए आप, ये मुख्यमंत्री की टिकट नहीं घोषित हुई और तमाम मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो सोचिए कितने घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश ने कहा कि अगर हम लोग 24 की लड़ाई में पीछे रह गए तो पता नहीं कौन सा संविधान आएगा। अखिलेश ने जातीय जनगणना कराए जाने की भी मांग की। जब से जातीय जनगणना की बात आई है, जो कभी नारे लगते थे, आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के जो आबादी हो उसके हिसाब से हक और सम्मान मिले।
अखिलेश की पार्टी बहुत जल्द एमपी के वीआईपी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। और इस बीच यूपी में दलितों के वोट बैंक की राजनीति तेज हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि बसपा गठबंधन में नहीं होगी शामिल। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए रखने को लेकर अपने रुख को साफ कर दिया है। मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। बीएसपी प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में यूपी और उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्ष स्तर के अधिकारी शामिल हुए, जिसके बाद पार्टी ने साफ कर दिया कि वो पहले की ही तरह खुद को मजबूत कर 2024 का चुनाव अकेले लड़ेगी। महिला ही आरक्षण बिल है तो ये इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों की लगभग एक तरह का उनका विचार है, तो हम किसी से मिलने वाले नहीं, इसलिए कि हम कहाँ जाएंगे। दोनों लोगों से हमारी देखिए आइडियोलॉजी में और अन्य पार्टी जिससे गठबंधन करेंगे उनकी आइडियोलॉजी में फर्क है, इसलिए हम गठबंधन से बाहर हैं, हम खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे। बैठक में पार्टी के संस्थापक काशीराम के 17वें परिनिर्वाण दिवस को लेकर भी चर्चा की गई। फैसला किया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा में परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा, जबकि पूर्वांचल के मंडल पदाधिकारी मंडल मुख्यालय पर परिनिर्वाण दिवस मनाएंगे। परिनिर्वाण दिवस को बीएसपी के चुनावी अभियान का आगाज माना जा रहा है। और अहम खबर है, मणिपुर में जारी हिंसा में विदेशी हाथ होने की आशंका को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। देश के गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की हिंसा को खत्म करने की लगातार पहल कर रहे हैं। इसी बीच एनआईए ने खुलासा किया है कि इसके पीछे बॉर्डर पार की शक्ति काम कर रही है। इस पर शिवसेना और कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। मणिपुर की हिंसा आप काबू में नहीं ला पाए और आप बोल रहे हो विदेशी हाथ है। विदेशी हाथ अगर है तो आपका मजबूत हाथ कहाँ गया उनके सामना करने के लिए? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की आग आप थम नहीं पा रहे हो। मणिपुर के मुख्यमंत्री के घर पर हमला हुआ। भारत सरकार की फोर्सेस पहले इतना अलर्ट हुए होते तो ये घटना को अवॉइड किया जा सकता है। जांच एजेंसी ने बताया कि मणिपुर हिंसा के पीछे बांग्लादेश और म्यांमार के उग्रवादियों का हाथ है। दोनों देश के उग्रवादी लगातार मणिपुर में हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। खबर है कि आतंकवादी संगठन मणिपुर में जातीय हिंसा फैलाकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी में है। एनआईए ने शनिवार को मणिपुर के चूणा चंद्रपुर जिले से सेईमुलन गंगटे को गिरफ्तार किया है। इसका संबंध आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ बताया जाता है।